हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 30 है। आज हमारा अल्टरनेटिंग जो चैप्टर है बच्चों, उसका लास्ट हमारा आपका लेक्चर होगा। आज हमारा जो लास्ट आपका लेक्चर होगा, लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर जो है आपका थर्ड वाला टॉपिक होगा। जिसमें ट्रांसफार्मर फर्स्ट में हमने बोला था कि ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्या था, ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या चीज़ है। उसमें हमने लिखा था जो आपका ई ऑफ एस जो है आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है आपका आउटपुट, या आपका ई ऑफ एस जो आपका सेकेंडरी आपका कॉइल में होगा जो उसको आउटपुट कहला जाएगा, ईपी जो है आपका इनपुट कहला जाएगा। तो एन ऑफ एस इज द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। तो इस बेस पे हमने क्या किया बच्चों, आपका ट्रांसफार्मर को दो टाइप में हमने डिवाइड किया। एक तो क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक तो क्या होता है बच्चों आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा बच्चों, इस डिफिनेशन से ये पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा वोल्टेज को क्या किया जाता है, हाई किया जाता है, उस वोल्टेज को हमेशा रेज किया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या किया जाता है, वोल्टेज को क्या किया जाता है बच्चों, आपका रेज किया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। एक तो हाई वोल्टेज, दूसरा आपका लो करंट पे आपका क्या किया जाता है बच्चों, आपका ट्रांसमिट किया जाता है। तो बच्चों हाई वोल्टेज और लो, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, सॉरी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या किया जाता है वोल्टेज को रेज किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई भी आपका ट्रांसमिशन हो, उस ट्रांसमिशन में क्या होगा आपका उस पावर सिग्नल को आपका लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा उसकी वोल्टेज को रेज किया जाता है। इसका मतलब है करंट को लो किया जाता है। करंट को लो का मतलब क्या है होता है, क्योंकि जो ही आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो ही करंट अगर हाफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, तो इसमें क्या होगा ई ऑफ एस ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा ई ऑफ एस ग्रेटर देन ई ऑफ पी होगा। इसका मतलब है प्राइमरी कॉइल में जो आपका ईएमएफ होगा, जो वोल्टेज होगा, वो आपका सेकेंडरी कॉइल में जो आपका वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब है इस ट्रांसफार्मर वोल्टेज हमेशा लो होगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को जो कन्वर्ट किया जाता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, तो इस ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इसका जस्ट आपका वोल्टेज को क्या किया जाता है, वोल्टेज को क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, डाउन। तो वोल्टेज को हमेशा क्या किया जाता है बच्चों, आपका कम किया जाता है, उसको लो किया जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका एन ऑफ एस नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, आपका लेस देन होगा नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। तो इसमें क्या होगा ई ऑफ पी, आपका क्या होगा यहाँ पे आपका ई ऑफ एस लेस देन ई ऑफ पी होगा। तो इसका मतलब है आपका प्राइमरी ई ऑफ एस, तो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज से हमेशा कम होगा। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या चीज होती है, इसके बाद यहाँ पे मैं और एक इक्वेशन लिखूंगा। मान लो आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जो आपका 100% एफिशिएंसी है, इसका मतलब है वो आपका वर्क 100% कर रहा है। तो कोई भी आपका एक्चुअल जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वो वहाँ पे आपका एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, उसमें आपका एनर्जी कुछ ना कुछ किसी दूसरे तरह से आपका एनर्जी लॉस होगा। लेकिन ये मैम यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि आपका एक ट्रांसफार्मर जो आपका 100% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी मीन्स क्या होगा, इनपुट वोल्टेज आपका इनपुट यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। लेकिन आपका जो एक्चुअल आपका जो प्रैक्टिकली जो आपका ट्रांसफार्मर आप देखते हैं वहाँ पे एनर्जी आपका कुछ ना कुछ आपका लॉस होता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स लीकेज, इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट, किसी न किसी शक्ल के बेस पे हमेशा एनर्जी लॉस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे हमने एक एज्यूमशन लिखा, एक आइडियल कंडीशन लिखा। यहाँ पे मैंने एक आइडियल कंडीशन लिखा, एक आइडियल कंडीशन आर पी प्राइमरी करंट डिवाइड बाय आपका सेकेंडरी करंट इक्वल टू यू ऑफ एस डिवाइड बाय यू ऑफ पी। इसके बाद हमें पता है बच्चों यू ऑफ एस अपॉन यू ऑफ पी, यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे आपके यू ऑफ एस अपॉन यू ऑफ पी इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइड बाय एन ऑफ पी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ई एस अपॉन ई ऑफ पी रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, क्या होगा बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे आउटपुट करंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों आई पी एन पी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये वाला एक इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन का आपका मेन एक इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए। जब आपका ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है, ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो ये दोनों जहाँ पे क्या होगा प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो आपका आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा करने के लिए नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल आपका ज्यादा होना चाहिए।
लेकिन आउटपुट करंट को ज्यादा करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल हमेशा कम होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है बच्चों, देखो नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल हमने लिखा था, तो इसमें क्या होगा आपके ई ऑफ एस जो है ग्रेटर देन ई ऑफ पी होगा। इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज जो है आपका, आउटपुट जो आपके ईएमएफ लेंगे वह हमेशा आपका प्राइमरी कॉइल के इनपुट से हमेशा क्या होगा। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या चीज किया जाता है, मान लो आपको एग्जाम में आया कि आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मान लो आपके पास, तो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या चीज किया जाता है कि वोल्टेज को रेज किया जाता है, करंट को रेज किया जाता है, तो आपका ये आंसर को हमेशा कम किया। तो इसमें क्या होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा बच्चों, हमेशा वोल्टेज को रेज किया जाता है लेकिन करंट को क्या किया जाता है, हमेशा कम किया जाता है। तो बिफोर ट्रांसमिशन अगर करंट को रेज किया तो हमने अभी बोला था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा आपका हीटिंग इफेक्ट कम होगा, क्योंकि आपका जूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये बोलता है बच्चों कि करंट ज्यादा होने से हमेशा किसी कंडक्टर में आपका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपका तार के अंदर जो आपका वायर्स होते हैं ट्रांसमिशन, जो आपका वायर होता है उस ट्रांसमिशन वायर में वोल्टेज को तो हाई किया जिसकी वजह से आपका मतलब पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। दूसरी बात आपको क्या करना है उसमें हमेशा करंट की दो टाइप्स है, एक तो क्या किया हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसे चेंज किया जाता है लो किया जाता है। तो अगर वोल्टेज को लो किया तो हमेशा करंट को क्या किया जाता है रेज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा ई ऑफ एस क्या होगा यहाँ पे ज्यादा हमेशा रेज किया जाता है। तो ये वाले ट्रांसफार्मर हमेशा वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है बच्चों, जो आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या हुआ आप किसी चीज को पिघलाने के लिए दो चीज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, उसमें हमेशा मेटल को हमेशा हीट अप किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है। तो मेल्ट करने के लिए हमेशा करंट को रेज किया जाता है, तो आपका आउटपुट करंट आई एस को रेज किया जाता है। तो आपका आउटपुट करंट रेज होगा तब जाके उसमें वेल्डिंग होगा, तब जाके आपका हीटिंग इफेक्ट होगा। तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है हमेशा एक बहुत सारे जो एनर्जी लॉ, जो अभी हमने ये मतलब ये क्वेश्चन लिखा बच्चों कि आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बेस पर हमने लिखा कि एक 100% उसकी एफिशिएंसी एक ट्रांसफार्मर जिसमें आपका पावर इनपुट आपका पावर आउटपुट के बराबर है, लेकिन आपका जो एक्चुअल वैल्यूज आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में आपका क्या क्या एनर्जी लॉस हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों कि आपका वैल्यूज एनर्जी लॉस क्या क्या हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आपका एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में क्या क्या एनर्जी लॉस हो सकती है। तो आपका एनर्जी लॉस जो है पहला क्या होगा फ्लक्स लीक, क्योंकि आपका आपका प्राइमरी क्वाइल में जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं वो आपका 100 का 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका सेकेंडरी क्वाइल के साथ लिंक हो। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली जो आपका ट्रांसफार्मर होगा, जो हमारे जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आपका क्या होता है कि आपका प्राइमरी क्वाइल में आपका जितने भी आपका फ्लक्स हीटिंग इफेक्ट होता है तो ये भी क्या होता है आपका एनर्जी लॉस में आ जाता है। तो तीसरा जो आपका मेन इम्पोर्टेंट होगा आपका जो पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर, जो हमने कहा आपका प्राइमरी कॉइल है या आपका सेकेंडरी कॉइल है हमेशा उसमें वाइंडिंग किया जाता है आपका ड्यू टू पॉजिटिव हाफ सर्कल उसमें मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ सर्कल में आपका डी में मैग्नेटाइज हो जाता है ड्यूरिंग, इसका मतलब है पूरे एक एसी आवेज। इसके बाद बोला आपका एडी करंट जो है आपका कोर ऑफ द जो आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है जो आपका ट्रांसफार्मर उसके अंदर जो एडी करंट पैदा होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, उस चाहे आपका प्राइमरी हो चाहे आपका सेकेंडरी हो उसके लिए जो आपका वाइंडिंग के लिए जो कॉपर वायर यूज किया जाए उस कॉपर वायर के भी क्या होगा एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। और तीसरा जो है आपका हिस्ट्री लॉस है, ये तीन लॉसेस है बच्चों जो आपका ट्रांसफार्मर में आपका एनर्जी के फॉर्म में आपका एनर्जी लॉस होता है। तो बच्चों यहाँ आज के लिए इतना ही, तो आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका दूसरा चैप्टर होगा बच्चों जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। तब तक के लिए वस्सलाम।